राजधानी के गुलाब की खुशबू पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महक रही है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हुआ है। गुलाब के फूलों की मांग वर्ष भर बनी रहती है। देहरादून के किसान आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। गन्ना, धान, बासमती, मक्का व अन्य फसलों के साथ ही अब फूलों की खेती कर रहे हैं। उद्यान विभाग के मुताबिक दून में पॉली हाउस में 7 से 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गुलाब की खेती हो रही है, जबकि अधिकतर किसान साधारण तरीके से फूलों की खेती कर रहे हैं। गुलाबी, सफेद, पीले और लाल किस्म के फूलों की खेती बहुतायत किसान कर रहे हैं। बाजार में अच्छी मांग होने के चलते साल दर साल इसके क्षेत्रफल में इजाफा हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गुलाब की खेती करने वाले किसानों को विभाग की ओर से प्रशिक्षण और 508 1000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस पर अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान की यह राशि 1.5 लाख रुपए से शुरू होकर पॉली हाउस के क्षेत्रफल पर आधार पर अलग अलग है। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि गुलाब की खेती की और राजधानी के किसानों का आकर्षण बढ़ रहा है। विभाग की ओर से भी किसान को हर संभव मदद दी जा रही है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये जो गुलाब की खेती हमारे फार्मर्स लोगों ने किया ना, ये पाली हाउस में हुआ है। ये पाली हाउस हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा ही दिए गए हैं और उसमें प्लांटिंग मटेरियल के भी पैसे दिए हैं हम लोगों ने, जो फार्मर्स ने वो लगाए हैं, प्लांट लगाए हैं। ये प्लांट जो मंगाए गए हैं ये पूना से मंगाए गए हैं और इसमें कई तरह की वैरायटियां हैं जिनको मतलब वैरायटी जो पाली हाउस में ही ग्रो की जाती है और उसमें कम से कम हम लोग करीब 5-6 हजार वर्ग मीटर पॉली हाउस में ये गुलाब की खेती इस समय मतलब की जा रही है और आगे और भी काश। हाँ, 100 वर्ग मीटर से लेकर 500 वर्ग मीटर तक हम 80% देते हैं राजसहायता इसमें, और अगर 500 से ऊपर जब जो पॉली हाउस लगते हैं उसमें हम 50% देते हैं राजसहायता। तो ये है कि जो फार्मर्स शुरू करता है तो 500 वर्ग मीटर से ही शुरू करता है, बाद में अगर उसको जरूरत पड़ती तो और भी हम लोग पॉली हाउस उसमें देते हैं और मिशन के अंतर्गत हम एक फार्मर्स को कम से कम 4 हजार वर्ग मीटर तक पॉली हाउस देते हैं।